लालू के सेवा मैं किसी को ना दिया हूँ और ना दूंगा। नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार को नहीं देंगे। हम लोग गरीब आदमी के ताड़ी पीने में भी धर ले रहा है। अब सुरेंद्र दादा को जिताना है, सरकार तोड़ना है, परफेक्ट गिट्ठा ठोक करके हम सुरेंद्र यादव को देंगे। इसके सिवा किसी को वोट नहीं देंगे। ए भैया, वो सब खाली मुंह से बढ़ाई है। हाँ। कार्य नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सातवें चरण में जहानाबाद में वोटिंग होने को, अगर बात की जाए तो इस बार मुकाबला काफी कड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो एक तरफ से जहां चंदेश्वर चंद्रवंशी एनडीए के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं आरजेडी के टिकट पर सुरेंद्र यादव चुनावी मैदान में। बात की जाए तो पिछले बार 2019 में 1700 वोटों से सुरेंद्र यादव की हार हुई थी, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप की हुई थी, जो उन्होंने एक कैंडिडेट के रूप में मुनीर यादव को खड़ा कर दिया था, जो 7000 वोट जो है काटे थे, जिसके वजह से ही हार हुई। लेकिन एक बार फिर से चुनावी मैदान में सुरेंद्र यादव और चंदेश्वर चंद्रवंशी आमने सामने हैं। अभी मैं जहानाबाद के जाफरगंज में हूँ, चाचा लोग बैठे हुए थे तो सोचे कि बात कर लेते हैं कि आखिर माहौल इस बार किनके पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है। क्या नाम हुआ भैया आपका? क्या नाम हुआ आपका? पप्पू जी। क्या लगता है माहौल इस बार जाफरगंज में या गौलक्ष्मी में क्या? दोनों मोहल्ला में सर सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव क्यों आखिर? क्यों सर? से उसको अभी नीतीश बहुत अच्छा नेता है, नीतीश को अभी नहीं वोट देंगे। किसको? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को नहीं देंगे। हम लोग गरीब आदमी के ताड़ी पीने में भी धर ले रहा है, दारू बंद है, बती ताड़ियों पीते हैं, जेतरो में धर लेता है, ताड़ियों पीने में धर। हाँ, थरेते धर लेता है, इसलिए अभी हम नहीं देंगे। लालू यादव तो हाजीपुर में कहे हैं कि इस बार अगर हम जीतते हैं तो ताड़ी चालू करवा देंगे। ताड़ी तो चालू है ये सर, बती धर लेता है पुलिस। इसलिए हम नीतीश कुमार को बहुत अच्छा नेता मानते थे, हम उसको अभी वोट नहीं देंगे। यानी तीर छापे वोट नहीं देंगे हम। सुरेंद्र यादव में क्या खास? सुरेंद्रो हमारा कोई खास नहीं है सर, ये नहीं कह रहे हैं। बती जिताबेंगे किसको? इसको जिताबेंगे तो आप धांधली करेगा, रोडों पर चलते रहेंगे तो धर लेगा पुलिस। इसलिए सुरेंद्र तो अभी वोट देंगे, सुरेंद्र को ही वोट। हाँ, हमेशा दिए हैं नीतीश कुमार को वोट। वो कहते हैं कि 13 महीना हम सांसद जब रहे थे बहुत कुछ किए हैं। क्या लगता है 13 महीना में सुरेंद्र यादव बहुत कुछ किए थे क्या? हाँ, अच्छा किए हैं 13 महीना में। हाँ, उतना हम नहीं जानते सर, बती इस साल वोट सुरेंद्र पे देंगे। इस साल मतलब 2019 में जो कमी रह गई थी इस बार कमी नहीं, तभी हम दिए थे नीतीश कुमार को। हाँ, अभी देंगे सुरेंद्र कुमार। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अली अकबर। क्या लगता है इस बार माहौल किनके पक्ष में बनता दिख रहा है? ये सब सुरेंद्र यादव को देने वाले हैं। क्या? सुरेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव को। तो थोड़ा बुलंद आवाज में बोलिए। सुरेंद्र यादव को देंगे, सुरेंद्र यादव को। चंदेश्वर चंद्रवंशी को क्यों नहीं? वो तो कहते हैं कि हम उज्ज्वला योजना दिए, आवास योजना दिए, हम किसान सम्मान निधि योजना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, ये बात करते हैं वो। नहीं, अब सुरेंद्र यादव को जिताना है, सरकार तोड़ना है। सुरेंद्र यादव को क्यों? सुरेंद्र यादव बढ़िया नेता है, बढ़िया नेता है। चंदेश्वर चंद्रवंशी नहीं, नजरों नहीं आया। नजरों नहीं, 5 साल में नहीं आए थे। गौलक्ष्मी गांव में नजरों नहीं आते? नहीं, अब चुनाव टाइम हुआ तब सबसे मिलना जुलना कर रहा है। चुनाव के समय में ही सिर्फ दिख रहे हैं और चुनाव से पहले नहीं दिख रहे। चलिए, क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद शहजाद। ये बताइए कि इस एरिया में माहौल किनके पक्ष में है? ये आप मान करके चलिए कि हम लोग जितना मुसलमान भाई हैं, हम लोग परफेक्ट गिट्ठा ठोक करके हम सुरेंद्र यादव को देंगे। इसके सिवा किसी को वोट नहीं देंगे सुरेंद्र। इसलिए बस जब से मैंने होश संभाला, जब से मैं मेरा उम्र हुआ वोट डालने का, तब से मैं कांग्रेस में दिया। और कांग्रेस से हटने के बाद जब कांग्रेस हार गई तो उसके बाद मैंने लालू को दिया। और लालू के सेवा मैं किसी को ना दिया हूँ और ना दूंगा मरते दम तक। वजह लालू अच्छा काम करता था। हाँ। ये नीतीश कुमार का समय आया तो हर चीज में पाबंदी लग गई। आज डेली ढो रहे हैं, दिन भर गिट्टी ढोते हैं, बालू ढोते हैं, और उसके बाद आकर के चुका खांड पीते हैं 10 रुपया 5 रुपया के। युवाओं में भी खासा नाराजगी है एनडीए को लेकर के कि रोजगार नहीं देते हैं, नौकरी नहीं। क्या नहीं, कुछ नहीं। क्या नीतीश कुमार ने गरीब इंसान को दिया? कुछ नहीं, खाली ये अनाज दे रहे हैं, उसी पर जो सबको फुसलाए हुए, गड़बड़ा करके रखे हुए आम पब्लिक को। क्या दिए आपने? खाली
अनाज दे देते हैं फ्री में, उसके बाद सबको घर बुला करके रखे हुए हैं। क्या दे रहे हैं आप किसको? झोंकी झोपड़ी वाले को जो कहते हैं कि हम गैस सिलेंडर दिए, गैस सिलेंडर दिए, किसी का मकान ढा दिया, गरीब इंसान का बाल बच्चा लेकर के रोड पर भीख मांग रहा है, उसके लिए फिक्र नहीं है, ये स्थिति हो गया तो और क्या है? जाकर के देखिए सारे लोगों को गैस सिलेंडर दे दिए तो इसके मतलब क्या हो गया? क्या आपका बीवी बाल बच्चा का परवरिश कर दिया मैंने? नहीं, कुछ नहीं किया। क्या चीज चाचा? सब्सिडी, सब्सिडी मिलेगा, सब्सिडी में हम लोग पैसा जमा रह गया और उसके बाद पैसा सब्सिडी वाला काट लिए, फिर तो फ्री में कहाँ दिए, फिर तो उलट के काटिए लिए। जब आप गैस खरीदे आए नहीं, ऐसा भी किए हैं? वो कहते हैं कि हम आयुष्मान योजना का लाभ दे रहे हैं। ए भैया, वो सब खाली मुंह से बड़ाई है, कार्य कुछ नहीं है। तो इसीलिए इस बार इस बार हम लोग दे रहे हैं, इनको लालू जी के दे रहे हैं, मजबूरन दे रहे हैं। हाँ, जितना काम किए थे नीतीश जी उससे हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन ये पलटू पलटू काम करते हैं। और दूसरी बात देखिए कि बीजेपी के जब से राज आई, हम लोग कागज बनाते बनाते परेशान हैं। कभी पन्ना जी वोटर आईडी कार्ड, तो राशन कार्ड, तो भतार कार्ड, तो कौन कार्ड, कौन कार्ड, कौन कार्ड, सब बनने जा रहा है, इसलिए हम लोग परेशान है। आज जो है कि हम लोग बाप दादा का जमीन है, बेटी के शादी करना है, खेती नहीं कोई ले वेले तैयार हो रहा, क्या भाई? तो रसीद वाली बात आ गई, रसीद नहीं तो खेत नहीं भी कोई ले बिकेगा, ये सब मैटर क्या है? नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद कलामुद्दीन। मतलब ये स्थिति आज बना चुकी बना है, हुआ है। हाँ, हम लोग लापरवाह हो रहे हैं। हम लोग एक कट्ठा दो कट्ठा जमीन बाप दादा का जो था उसी इज्जत आबरू जान बचाते थे, अभी मजबूर हम लोग हो गए हैं। चंदेश्वर जी का अलग दावा रहता है कि हम बहुत काम जहाना वो अपना करते रहे, वो अपना करते रहे। अगला बार एक मिनट, अगला बार सुरेंद्र यादव जी जीत हारी नहीं है, वो जीती है, उनको जो है कि अफसरशाही करके उनको हराया गया 1700 वोट। हाँ हाँ, अफसरशाही। भैया क्या लगता है इस बार माहौल जहानाबाद सुरेंद्र यादव जीतेंगे? होगा सुरेंद्र यादव। आखिर ऐसा क्या है जिन क्षेत्रों में 100% कंफर्म है कि सुरेंद्र यादव जीत रहे हैं? 100% 100% श्योर। चंदेश्वर चंद्रवंशी में नहीं, तो कुछ नहीं करेगा वो, उसका घर पे गए थे तो मिलने के लिए भी तैयार नहीं था। हाँ। उसका गार्ड कर रहा है, अभी तबीयत खराब है। हाँ। हाँ। इस बार वो कंकड़बाग में उनका बिल्डिंग है अपना है। हम गए थे उनके पास, एक मेरे मौसी जो है कैंसर से पीड़ित थी, तो गार्ड उसका कह रहा है ना क्या कि से अभी हम साहब जो है तबीयत खराब उनका, अभी नहीं मिल पाएंगे। बताइए हाँ, या सांसद उनका दिक्कत, इसलिए चंदेश्वर प्रसाद जो है एकदम उनका कोई मैंने चप्पल से मानने लायक आदमी है। सुरेंद्र यादव अब चुनावी मैदान में फिर है, पिछले बार हार गए थे। हाँ, लेकिन 13 महीना सांसद हो रहे हैं। हाँ, कैसा काम किए थे वो? कौन 13 महीना सांसद भी रहे हैं सुरेंद्र यादव? सुरेंद्र यादव काम अच्छा काम भी करेंगे, जनता के भी जाते भी हैं, मिल रहे हैं सबसे, देखे रहे हैं। अगर बात की जाए तो लगातार 7 से 8 बार विधायक रहे हैं बेलागंज, अभी तक हारे भी नहीं। हारे नहीं है तो क्या जहानाबाद में बेला में काम किए इस वजह से? काम करेंगे भी। सुरेंद्र यादव के बारे में जो बोल रहे हैं, हर संडे के संडे गया में जो है अपना जनता दरबार लगाते हैं, जनता मिलता है, मिलने के लिए कोई लिखित नहीं दी जाए, एंटीमेटी मिली है। और अभी आप जो मनीष जी बोल रहे थे कि पिछले बार चंद्रवंशी ने 17000 वोट से हारे हैं, हारे नहीं है, उनको हराया गया था। अगले बार सुरेंद्र यादव भी जीते हुए थे और इस बार भी सुरेंद्र यादव जीतेंगे। और पूछते हैं चंद्रवंशी से कि जीत कर के बार जाफर झुलकी मारने आए हैं? के बार जहानाबाद को चंद्रवंशी ने तो जो उग्रवादी क्षेत्र में विरोध उनका नहीं, जहानाबाद में दंगा 2019 में जो दंगा जो करवाए हैं, 2020 में चंद्रवंशी ने दंगा करवाए थे जहानाबाद में, हिंदू और मुस्लिम में, उगड़ी कहाँ थे? एमपी थे, बनल थे, एक और हुलकी मारने आए? दिन रात जाफरगंज पुलिस धांधली किया, एक बार भी चंद्रवासी ने कभी नजर मारना है कि कौन गरीब का बाल बच्चा है, रे किसका है या नहीं है? कभी नहीं, कभी नहीं, एक बार आज से जीत के गए ना, आज 5 साल होने गया जी, एक बार भी कभी दर्शन आए हैं? आता था कौन जी, उनका फोटो आता है खाली, तब फोटो से काम चलेगा? फोटो से बताइए, फोटो हम देख लें, अगर संतोष हो जाए तो उस आदमी की जीता के क्या करेंगे? माहौल बना लिए। हाँ, इस माहौल क्या, हर बार यहाँ जो रिजर्व कोटा है सुरेंद्र यादव ही जीतेगा, जो भी आरजेडी से खड़ा होगा उसका ही जीत है इस बार। हाँ, इस बार भी हर हमें नहीं, इस बार नहीं, हमेशा जीतेगा आरजेडी यहाँ से, किसी अन्य व्यक्ति को भी खड़ा कर देगा आरजेडी से तो यहाँ जीतेगा ही।
इसलिए कि आरजेडी का यहाँ वोट बहुत ज्यादा है, इसके अलावा और किसी को उतना वोट नहीं है। तो ये है जहानाबाद के जाफरगंज के लोग जिनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी। इनका सीधे तौर पे कहना है कि इस बार चंदेश्वर चंद्रवंशी को हम लोग जीतने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग मतदान करेंगे तो सुरेंद्र यादव के पक्ष में। क्योंकि अगर बात की जाए तो 5 साल सांसद रहे लेकिन कभी भी इधर देखने तक नहीं आए कि किसकी स्थिति कैसी है। कार्य की बात की जाए तो कार्य भी उनके द्वारा नहीं हुआ है, जबकि यहाँ के लोगों का आरोप है कि 2020 में जो दंगा भी हुआ उसमें संलिप्तता अगर किसी की भी थी तो वो सांसद की थी, लेकिन वो देखने तक नहीं आए कि कौन पीड़ित है।